मीटियोर में और एक क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन होती है। ओके, जब आपके बाहर से एयर खींचते इंजन को तो कूल रखता ही है और साथ में आपके इंजन के चारों ओर भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग। गाइस, ये है मेरे पीछे मीटियो 350 और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका इंजन। ठीक है गाइस, मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि मीटियोर में आपका लिक्विड कूल्ड इंजन है या फिर ऑयल कूल्ड इंजन है या फिर एयर कूल्ड इंजन है। ठीक है गाइस, चलो तो फिर आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्लॉग को। गाइस, आज हम लोग बात कर रहे हैं कूलिंग इंजन के बारे में, कितने तरह के इंजन को किस तरह से कूल कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। गाइस, सबसे पहला जो इंजन होता है वो होता है आपका एयर कूल्ड इंजन। ओके, एयर कूल्ड का इंजन का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये आपके जो बाहर के जो इतने अच्छे अच्छे एयर होते हैं, जब हम लोग बाइक को ड्राइव करते हैं तो इंजन क्या करता है, आपने देखा होगा हमारे मीटियोर में इस तरह के स्पाइक्स दिए हुए हैं, इसी स्पाइक के अंदर से हम लोग एयर, बाहर के जो एयर होता है वो अंदर लेता है और उसी तरह से आप इंजन को कूल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, बहुत ही बेटर है, ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है और ये वन ऑफ द बेस्ट है। ओके गाइस, इसके बाद आता है आपका ऑयल कूल इंजन। ऑयल कूल इंजन का मतलब क्या होता है गाइस, ये आपका क्या होता है, अंदर पे इंजन के अंदर चारों ऑयल, चारों तरफ आपके ऑयल होते हैं, ऑयल बोले तो इंजन ऑयल। ओके, इंजन ऑयल ही क्या करता है, उस इंजन को जब वो इंजन, जब हाईवे में जब बाइक चलती है इंजन गर्म हो जाता है, जो अंदर के जो ऑयल्स होते हैं उसी को, ऑयल को खींचते हैं, उसको और स्मूथ बनाता है और जिससे आपकी गाड़ी चलती रहती है। ये थोड़ा सा कॉस्टली मैकेनिज्म है बट ये आप बोल सकते हो ये बेनिफिट भी है, नहीं भी बेनिफिट है, ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से देखते हो। बट अभी भी जो ट्रेडिशनल वे होता है वो अभी भी आपके एयर कूल्ड होते हैं, बट हमारे मीटियो में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बाद में बोलता हूँ। और थर्ड तरह का जो इंजन होता है उसको बोलते हैं आपके लिक्विड कूलेंट इंजन। ओके, लिक्विड कूलेंट इंजन आपको, जैसे आपको पता चल रहा है नाम से, ये यूजुअली क्या करता है, ये एक अल्कोहल होता है, मतलब अल्कोहल नहीं बोलूँगा, इसको कूलेंट बोलते हैं। ओके, कूलेंट के एक एडिशनल कूलेंट खरीदना पड़ता है, उस कूलेंट को हम लोग को डालनी पड़ती है बाइक पे और ये हमारे जो भी लाइटर व्हीकल होते हैं, जैसे आपके ड्यूक हो गए, 390 हो गए और आपके कॉस्टली हायर एंड कॉस्टली जितने भी बाइक्स हो गए, ट्रम वगैरह हो गए और आप जो भी ले लो, आपके जितने भी लाइटर व्हीकल है, रेसिंग व्हीकल है, उस सब में आपका लिक्विड कूलेंट आपके डालते हैं। और लिक्विड कूलेंट में क्या होता है कि आपका बाहर से कूलेंट खरीद के हम लोग को इंजन में डालना पड़ता है, जब गाड़ी जब चलती है तो ये कूलेंट क्या करता है, इंजन को ठंडा रखता है, इंजन को बेटर वे से और अच्छे तरीके से चलाता है। तो ये आपके मेजर आपके फैक्ट है, ये तीन तरह का इंजन होता है। ओके, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे जितने भी फोर व्हीलर के गाड़ी होते हैं आपने देखा होगा, उसमें सब में आपके कूलेंट लगते हैं। ओके, कूलेंट लगने के कारण हमारी गाड़ी और स्मूथ हो जाती है और अच्छे से चलता है और यू कैन से इट्स अ गुड वन कूलेंट, बिकॉज थोड़े कॉस्टली होते हैं, मेंटेनेंस थोड़े हाई होते हैं, इसीलिए आपके जितने भी गाड़ी में आपके लिक्विड कूलेंट हम लोग डालते हैं। ओके, तो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था एयर कूलेंट अच्छा है या फिर लिक्विड कूलेंट अच्छा है, तो हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। गाइस, बेसिकली क्या होता है, अब देखो ऑब्वियसली लिक्विड कूलेंट इज गुड, इसमें शक नहीं है, लिक्विड कूलेंट बेटर होता है, वो इंजन को स्मूथ बनाता है। बट आपको एक चीज समझना है कि जितने भी नए तरह के व्हीकल आ रहे हैं, नए तरह के बोले तो जितने भी लाइटर व्हीकल आ रहे हैं, सीसी जिसके 150 से 200 के बीच है, उन लोग ज़्यादातर आपके लिक्विड कूलेंट लगाते हैं और उसके दाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे मीटियोर के बारे में, ये आपके जो इंजन है वो आपके एयर कूल्ड इंजन है,
ट्रेडिशनल सेटिंग ऑफ इंजन है, बाहर से एयर। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने अपने फादर से बात कर रहा था ये सब आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं, मेरे फादर एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि पापा कौन से आपके बेटर होते। तो माई फादर वॉज टेलिंग मी गाइज अभी भी एयर कूल्ड बहुत ही बेटर होता है, कि एयर कूल्ड में आपका ट्रेडी बाहर से नेचुरल एयर आपके वो कोई भी टेम्परेचर में आपकी गाड़ी आपकी ड्राइव हो सकती है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक बाहर के जितने भी एयर्स होते हैं वो आपके खींच के इंजन को एज पर द टेम्परेचर प्रूफ करके आपको गाड़ी चलता है, इट इज़ गुड। और हमारे मीटियोर में और एक क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन होती है। ओके, जब आपके बाहर से एयर खींचते इंजन को तो कूल रखता ही है, और साथ में आपके इंजन के चारों ओर ऑयल रहते हैं, यू कैन से लिटिल बिट वहाँ पे एक जेट स्प्रे की तरह होता है, बाहर से ऑयल थोड़ा थोड़ा आपके इंजन में आपके डालते स्प्रे डालते रहते हैं, बट प्रेडोमिनेंटली इट इज़ ए एयर कूल्ड इंजन। ओके, और उसमें थोड़े थोड़े डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है इंजन में क्या ड्राइनेस नहीं आ जाती है और लुब्रिकेशन बहुत थोड़ा बेटर होता है, और दैट्स वॉट इट इज़ दैट। और जितने भी आप इंजन देखोगे वो आपके एयर कूल्ड, आपके 90% एयर कूल्ड ही होते हैं। ओनली इफ़ यू गो फॉर द टॉपर रेंज इट इज़ ए लिक्विड कूलेंट इंजन। जो मिड सेगमेंट के बाइक्स हो गए उसमें आपके मैं लिस्ट दे दूंगा, आप लोग लिस्ट चेक कर सकते हो, दीज आर दी ऑयल कूल्ड इंजन बाइक्स। ओके, सो कुछ भी डाउट हुआ प्लीज़ मेरे को बोल देना। ओके, अभी मैं अपने एक्चुअली अपार्टमेंट के पार्क में ही हूँ, ये हमारा अपार्टमेंट है, मेरा ऊपर का फ्लैट है, तो ये चारों ओर हम लोग, मैं थोड़ा वॉक कर रहा था, थोड़ा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो बना दूँ, तो इसलिए बना दिया। कुछ भी डाउट हो मेरे को बोलना, अच्छा लगता है इस तरह के वीडियो आप लोगों को जानने के लिए। प्लीज़ मेरे को कमेंट पे लिखो, और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा विदाउट एनी हेजिटेट, विदाउट एनीथिंग। ओके, गुड नाइट, सी या बाय, मिलते हैं और किसी ब्लॉग में। कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बोलना। बाय, मास्क पहन लेता हूँ।